मैं इस वक्त मौजूद हूं लता मंगेशकर चौक पर। मैं सबसे पहले तो यहां की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। महज 48 घंटे बचे हैं जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की पेट्रोलिंग यहां पर और लगातार जो विभिन्न राज्यों से यहां पर पहुंचे हुए हैं, विभिन्न राज्यों से यहां श्रद्धालु पहुंचे हुए वो यहां पर है। दूसरी तरफ सफाई अभियान हम देख पा रहे हैं लगातार यहां पर चल रही है, बैंक कर्मचारियों की सफाई अभियान चल रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस बैंड यहां पर है। दरअसल 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जितने भी वीवीआईपी आएंगे उन सभी का स्वागत उत्तर प्रदेश पुलिस अपने बैंड से करने वाली है। धर्मपथ से आगे बढ़ेंगे तो ये लता मंगेशकर चौक है, लता मंगेशकर चौक से आप राइट घूमेंगे तो रामपथ है और रामपथ के आगे भक्ति पथ है और भक्ति पथ पर ही है भगवान श्री राम का दिव्य नव्य अलौकिक मंदिर। तो जाहिर तौर पे इन सभी चौराहे चौक नुक्कड़ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का बैंड होगा। तो जो लोग वीवीआईपी आएंगे उनका स्वागत यहां पर किया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के बैंड के द्वारा। दूसरी तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई, उत्तर प्रदेश पुलिस के 13,000 जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के 11,000 जवान यहां पर लगातार पेट्रोलिंग करेंगे, लगातार हर चौक चौराहे पर मौजूद होंगे। यूपीए टीएस यूपीएस टीएफ उसके बाद तमाम एजेंसीज जो हैं सिक्योरिटी में लगी हुई हैं पूरे अयोध्या में, अयोध्या के आसपास के जिलों में। आज रात बताया जा रहा है कि अयोध्या को सील कर दिया जाएगा, बाहरी लोगों का प्रवेश पर बैन लगा दिया जाएगा, उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। रामलला का कपाट जो है दर्शन पूजन के लिए आज से बंद हो गया है और जो इस रामलला का अभी हम पूजन अर्चन करते हैं वो भी अपने भाइयों के साथ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उनकी मौजूदगी में जो अभी के रामलला हैं उनको लेकर उनको प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वाले स्थान पर लेकर जाया जाएगा। तो लगातार जो कार्यक्रम का दौर है अयोध्या में राम मंदिर के अंदर वो लगातार जारी है। सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि कहां कहां से ये आए हैं, किस तरीके से ये उत्साहित हैं और इनसे हम बात करते हैं। कहां से आए आप लोग? कलकत्ता से आप लोग आए हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए? जी सेवा भी करते हैं, संस्था भी चला रहे हैं। 22 तारीख तक आप लोग रुकेंगे? राम सड़क कोठारी में हम लोग का सेवा चल रहा है, चाय बिस्कुट, और 13 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा पूरा पूरा 13 से 25। कलकत्ता में कहाँ? कलकत्ता शहर से, कलकत्ता बड़ा बाजार से आए हैं आप? बड़ा बाजार से। और आप कहाँ से हैं? मुंबई से आए जी। मुंबई से जी जी। दर्शन करने के लिए आज आए हैं? आज तो रामलला का कपाट बंद है जी जी। मैं तो 16 तारीख से इधर ही हूँ जी, 16 जनवरी से मैं यही हूँ मुंबई से आया हूँ। कब तक रुकने का प्लान है? अभी तो सोच रहे हैं, आज आने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कितने उत्साहित हैं आप लोग भगवान राम दिव्य? जय श्री राम होगा, राम भक्त हम लोग हैं और राम में भारत को बनाएंगे। देखिए एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं यहाँ पर जयंतो, एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं किस तरीके से राम भक्ति में यहाँ पर हनुमान चालीसा के धुन में पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो बैंड है वो तैयार है और ये बैंड अब थोड़ी देर में यहाँ पर ये हनुमान चालीसा के धुन पर अपना बैंड बजाना शुरू करेंगे। जब तक ये शुरुआत नहीं करते हम और कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं बाबा आप? एमपी। एमपी जी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जी? कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और भैया कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग तो यहीं के हैं भैया, यहीं के हैं। भगवान राम दिव्य अलौकिक मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, क्या कहेंगी? भैया बता नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है कि उसको बताएं। हम बता ही नहीं सक पाए, मतलब अंदर से बहुत उत्साहित खुशी है। देखिए हम जहाँ भी जाएंगे केवल जय जय श्री राम के नारे का उद्घोष होता है यहाँ पर और हर कोई उत्साहित है जयंतो, हर कोई उत्साहित है। एक बाबा यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबा आप कहाँ से आए हैं? मेरठ। मेरठ 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 से। कितने कब तक रुकने की व्यवस्था है? अभी रुकेंगे 5 दिन और। जयंतो मैं जिक्र कर रहा था बैंड की तस्वीरें मैं आपको जरा दिखाऊं। बैंड बजना शुरू हो गया है और हनुमान चालीसा के धुन पे जयंतो यहाँ पर लगातार जो है बैंड बजाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस का बैंड है ये और ये बैंड जो है धर्मपथ रामपथ भक्तिपथ लता मंगेशकर चौक पर ये होगा। जरा मैं इसके धुन को आपको सुनाता हूँ, जरा धुन को सुनिए और दर्शकों को सुनिए।
तो ये इस बैंड का लुत्फ जो है वो यहाँ के जो गेस्ट आएंगे 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, तो जाहिर तौर पे वो इस बैंड का लुत्फ उठाएंगे और हम तस्वीरें आपको लगातार यहाँ लता मंगेशकर चौक से दिखा रहे हैं। जी देखिए 22 तारीख के क्या इंतजाम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 22 तारीख को टेंट हाउसेस बनाए गए हैं और जो वीवीआईपी गेस्ट हैं वो उनके लिए ट्रस्ट ने यहाँ पर टेंट हाउस की व्यवस्था की है। और न्यूज 18 लगातार अपील उन लोगों से कर रहा है, देशवासियों को, जिनको न्योता नहीं है ट्रस्ट की तरफ से, वो कृपया करके ना आए 22 तारीख को अयोध्या में, क्योंकि उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना पूरे देशवासियों से की है। देशवासी न्यूज 18 पर लगातार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देख पाएंगे। हमारे जो कैमरास हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिखाएंगे। जो सनातन धर्म को पालन करने वाले हैं, जो राम को मानते हैं, पूरे दुनिया के लोग न्यूज 18 पर देख पाएंगे। कहाँ से आए हैं बाबा? हम महाराष्ट्र से आए हैं सर। बहुत ज्यादा उत्साहित है? बहुत ज्यादा उत्साहित है। स्वर्ग बस गया इस समय अयोध्या में, और हमारे योगी मोदी जी की कृपा से यहाँ स्वर्ग बस गया है।